नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। प्रश्न है, 1686 में अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच हुए युद्ध का क्या परिणाम हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री खोलने के बाद अंग्रेज भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देखते रहे थे। अंग्रेज चाहते थे कि वे मुगलों को मजबूर कर व्यापार में मनमानी छूट प्राप्त कर सके, ताकि भारतीय अपना माल सस्ते में बेचे और कंपनी का माल अधिक दामों पर खरीदे। इन इरादों के चलते 1686 में अंग्रेजों ने हुगली पर आक्रमण किया और उसे तहस नहस कर दिया। इसी के तहत मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच शत्रुता सामने आ गई। अंग्रेजों ने इसके लिए जल्दीबाजी की और अंग्रेजों ने औरंगजेब के शासन में मुगलों की शक्ति को कम आंका और युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा, क्योंकि उन्हें बंगाल की स्थित अपनी सभी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया। इस तरह बुरी तरीके से हार के बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर से चापलूसी और विनम्रता का सहारा लेकर मुगल दरबार में हाजिरी बजाई। वहीं औरंगजेब ने व्यापारिक लाभ, सरकारी खजाने और अंग्रेजों की समुद्री शक्ति को ध्यान में रखकर 1,50,000 रुपए हर जाने के बदले व्यापार करने की छूट दी। इसका सही विकल्प है ए।